हाय गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आप लोग को। मैं डीएक्सो मार्क पे था और यहाँ पर डीएक्सो मार्क के अकॉर्डिंग नंबर वन कैमरा फोन है हुआवे P60 Pro। बात यहाँ खत्म नहीं होती, इनके अकॉर्डिंग S23 अल्ट्रा 15 नंबर पे है और शाओमी 13 प्रो 21 नंबर पे है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग पोर्ट्रेट्स खींचता है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई और आज है ना, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ हुआवे P60 Pro को। मैं भी तो देखूं DxO Mark के अकॉर्डिंग नंबर वन रैंकिंग कैसे मिली है। A few moments later. आ गया भाई, फाइनली यूरोप से मंगवाया मैंने फोन। आप लोग के लिए भाई मैं कुछ क्रेजी कर देता हूँ कभी कभी। सबसे ऊपर ना यहाँ पर फोन रखा हुआ है भाई, कितना बड़ा कैमरा है इसका, काफी एक्साइटमेंट तो क्रिएट यहीं से हो गई है। नीचे की साइड क्या है भाई, ये एक पाउच है, केस मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये चीज नहीं देखी होगी आप लोगों ने कभी कि 88 वोल्ट का चार्जर है जिसके अंदर टाइप सी पोर्ट भी है और टाइप ए भी। खैर बॉक्स में जो है टाइप ए टू सी केबल मिलती है। अब फोन दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा सुपर स्टार। हो भाई कितना डिफरेंट पैटर्न है इसका, ऐसा लग रहा है कोई मार्बल है इसके ऊपर। और आज मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस फोन का कैमरा देखने के बाद ना आप लिटरली शॉक तो होगे। दिखाऊंगा, सारी चीज दिखाऊंगा इस फोन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक क्रिएटिव एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं आपको अपनी दो फेवरेट फोटो दिखाता हूं जो मैंने इस फोन से खींची है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसका कैमरा कितना स्ट्रांग होगा। पूरी डिटेल में बात करूंगा कैमरे की, उससे पहले मैं आपको इस फोन को इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि एग्जैक्टली में है क्या चीज। जैसे कि बताया, मार्बल फिनिश मिलती है। इस फिनिश को ना मेरे सारे फ्रेंड फैमिली सबने पूछा है कि एग्जैक्टली में है क्या फोन। सबको ऐसा लगता है कि मैंने स्किन लगा रखी है इस फोन पे। आई नो आपको देखने में लग रहा होगा कि बैक पैनल जो है स्मूथ है कि नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, जस्ट पैटर्न बना हुआ है। दो बहुत क्रेजी बातें मैंने नोटिस करी है इस फोन की। इसका ईयरपीस नॉर्मल आंखों से दिखता ही नहीं है, मतलब मैं आपको बहुत जूम करके दिखा सकता हूँ कि इसका ईयरपीस कितना छोटा सा है। वैसे ईयरपीस आवाज ठीक आती है, बट कमाल की इंजीनियरिंग है यार। और ये जो फोन है ना हुआवे P60 Pro, इसमें जो है ओलेड डिस्प्ले यूज करी है जो कि 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है और सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महंगा फोन है, क्वाड HD तो होना चाहिए था यार। बट इस फोन में जो यहाँ पर ग्लास की प्रोटेक्शन दी है ना, इसका नाम है कुनलुन ग्लास। और हुआवे का कहना है कि ये जो ग्लास है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये ना इससे वॉलनट तोड़ के दिखा रहे थे। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई है नो डाउट सबसे इंटरेस्टिंग फोन की कैटेगरी में आ चुका है, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है फोन को। लेकिन ये फोन फेमस है अपने कैमरे के लिए। अब जरा थोड़ा सा ना क्लोजली समझाने की कोशिश करता हूँ कि DxO Mark सेंसेबल है भी कि नहीं। इस फोन का कैमरा सेटअप जो है 48+13+48 मेगापिक्सल का है। और पता है क्या, मैंने बहुत फोन देखे हैं जिनके अंदर वेरिएबल एपर्चर मिलता है, लेकिन इस हुआवे के फोन में ना बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रखी है क्योंकि इस फोन में ऑप्शन मिलते हैं F1.4, F2.8, सब कुछ आप बीच बीच में सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो जो बाकी फोन वेरिएबल एपर्चर के साथ आते हैं उनमें दो ही ऑप्शन होता है, क्या तो F1.4 या F4। हुआवे का कहना है कि जो इस फोन में फोटो लेंस डाला है ना वो F2.1 एपर्चर के साथ आता है जो कि सबसे ज्यादा लाइट गैदर कर सकता है बाकी फोन्स के मुकाबले। और अब मैं आपको इस फोन से खींची हुई फोटोज दिखाता हूँ क्योंकि जब मैंने ये फोटोज देखी थी ना मैं शॉक था कि एक फोन इतनी ज्यादा तगड़ी इमेज प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है। ये बहुत पावरफुल प्रोसेसिंग है यार। और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ ना, इसका HDR, इसकी शेडो में जो रिटेंशन होती है, ओवरऑल जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, सबसे क्रेजी मेरे को किसी फोन में देखने को मिली है नो डाउट। और पता है इस फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस से आप मैक्रो फोटोज खींच सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इसमें ना एक ऑप्शन है सुपर मैक्रो का, ये यूज करके भाई मुझे मजा आ गया। ये आउटपुट देख के आप खुद देखो यार, कितना कमाल कर देता है यार ये फोन। अभी तक मैं जितनी भी इस फोन से फोटोज खींच रहा था ना, मैं हर बार ऐसा था कि ये तो बहुत अमेजिंग है, ये तो बहुत अमेजिंग है, मतलब बार बार रिपीट करे जा रहा था मैं बात। फिर मुझे लगा हो सकता है कि यार मतलब मेरे माइंड ने ट्रिक करा हो मुझे कि क्योंकि इसकी नंबर वन रैंकिंग थी DxO Mark के अकॉर्डिंग, तो मुझे कहीं इसलिए मैं ओवर एक्ट कर रहा हूं। तो मैं डिसाइड करा कि Xiaomi 13 Pro और S23 Ultra से कंपेयर करके देखते हैं कहीं मैं ऐसे ही एक्साइटेड तो नहीं हूं। फिर मैंने इन तीनों फोन से फोटोज खींची और एक ही स्क्रीन पे लगाकर जब देखी ना, तो क्लियरली पता लग रहा था कि हुआवे P60 Pro अमेजिंग फोटो तो खींच रहा है क्योंकि जो सैमसंग का फोन है उसमें कभी कभी कलर्स बहुत बूस्टेड आ रहे थे, और Xiaomi 13 Pro ज्यादातर ऐसे फील हो रहा था कि ना वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है फोटो को अच्छा बनाने की, मतलब कभी शेडो बूस्ट हो रही है, ओवर प्रोसेस्ड लग रही थी। जबकि हुआवे का फोन जो है ना सैमसंग और Xiaomi के बीच की प्रोसेसिंग लेकर आ रहा था जो बहुत बैलेंस्ड फील हो रही थी। अब ये मत सोचना कि हुआवे P60 Pro में कोई कमियां ही नहीं है, ऐसा तो देखो कोई फोन नहीं हो सकता कि जिसके कैमरे में कोई कमी ना हो। जैसे कि जब मैं इस फोन से
फोटोज खींच रहा था, कभी कभी जो एक पर्पल टिंट आ रहा था जो थोड़ा सा लाइक वियर्ड लगता है, और कभी कभी तो ये फोन जो है कलर्स एकदम खत्म से कर देता है फोटोज में से, थोड़ा डीसैचुरेटेड फील होता है। और इस फोन का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मुझे इतना अच्छा फील नहीं हुआ, डे लाइट में भी सॉफ्ट फोटोज आ जाती है। और मुझे नहीं पता क्यों लो लाइट में अल्ट्रा वाइड लेंस जो है ना ज्यादातर टाइम पे ब्लर हो जाता है यार। जितनी भी कमियां है ना, अगर आप पूरा इन डेप्थ कैमरे को समझते हो तभी आपको ये कमियां दिखेंगी। और क्योंकि इसको नंबर वन रैंकिंग मिली है इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया, नहीं तो इतनी नीटपिकिंग मैं जनरली नहीं करता। लेकिन इस Huawei P60 में ना एक अमेजिंग चीज मैंने नोटिस करी है, वो है इसका पोर्ट्रेट मोड। 3.5x का ये जूम देता है और इतना यूनिक ब्लर लेकर आता है बैकग्राउंड में, मैंने ऐसा ब्लर किसी फोन में नहीं देखा है। और एज डिटेक्शन देखना काफी एक्यूरेट है। और Huawei P60 Pro जो है 100x जूम भी लेकर आता है S23 Ultra की तरह। और मैंने यहाँ भी कंपेयर करा, देखो S23 Ultra किंग है जूमिंग के अंदर, इसको बीट नहीं कर पाता कोई, बट ये Huawei P60 Pro क्लोज आया है, मैं इसको सेकंड नंबर पे रख सकता हूँ जूमिंग कैपेबिलिटीज में। और पता है क्या, ये जो Huawei P60 Pro है ना, इसके नाइट मोड की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि काफी बार इस फोन में नाइट मोड ऑन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत अच्छी लाइट गैदर कर लेता है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक नाइट मोड ऑन और एक नाइट मोड ऑफ के साथ। मुझे नहीं पता नाइट मोड ऑन करने के बाद इतने ज्यादा कलर्स क्यों हो गए और इतना हैवी येलो टिंट क्यों आया। इनफैक्ट Huawei की लो लाइट परफॉर्मेंस मैंने S23 अल्ट्रा और Xiaomi 13 Pro से भी कंपेयर करी है। ऑनेस्टली मुझे Samsung से तो बेटर फील हुआ और Xiaomi के मतलब बिल्कुल क्लोज फील हुआ। और थैंक गॉड Huawei ने इस फोन के अंदर अच्छा फ्रंट कैमरा डाला है, और पता है 13 मेगापिक्सल का है और बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, ग्रुप सेल्फीज के लिए तो बहुत सही है। और क्योंकि इस फोन का फ्रंट कैमरा बहुत वाइड है और फ्रंट से आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो सोचो व्लॉगिंग के लिए कितनी सेंस बनाएगा, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं यार। और फ्रंट कैमरे का अपोजिट जब मैंने बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग करी, गाइस देखना यार कितना बेकार आउटपुट आया है। मुझे ओवर शार्पनेस फील हुई, स्किन टोन इसने ठीक से मैनेज नहीं करी, मैं इसको लाइक बाकी फोटोज के मुकाबले तो वीडियो को इतना अच्छा नहीं बताऊंगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा। देखो नो डाउट इस Huawei P60 Pro का कैमरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कोई इसको बीट नहीं कर सकता। मैंने और भी फोन मंगाए हैं चाइना से, यूरोप से, ये मैं सच में नंबर वन बता सकता हूँ स्पेसिफिक एरियाज में। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करूंगा ना S23 Ultra से, पता है मैं S23 Ultra को मतलब ओवरऑल सेटअप क्यों अच्छा बताता हूँ, ओवरऑल वर्ड ही मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि चाहे आप इसका अल्ट्रा वाइड लेंस देखो, चाहे इसकी जूमिंग कैपेबिलिटीज देखो 100x पे कितनी अच्छी फोटोज खींचता है, या फिर इसकी नाइट मोड की परफॉर्मेंस, 4K वीडियो, फ्रंट से भी जो वीडियो परफॉर्मेंस है, ऊपर से और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यार DxO Mark के अकॉर्डिंग 15 नंबर पे S23 Ultra क्यों रखा है, जबकि ओवरऑल अगर आप इस सेटअप को देखोगे तो ज्यादा फंक्शनल है और ज्यादा मासेस को सेंस बनाएगा। और इस DxO Mark के अकॉर्डिंग S23 Ultra से ऊपर वाले फोन्स देखना लिस्ट में, थोड़ा हार्ड टू बिलीव है कि यार ये सारे फोन्स के कैमरा जो है S23 Ultra से अच्छे है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी रैंकिंग देखो ना, उस पर 100% बिलीव मत करना। पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोई DxO Mark को गलत नहीं बता सकता, क्योंकि जब Huawei P60 Pro की फोटोज देखोगे तो ऑटोमेटिकली सबको लगेगा हाँ यार ये बेस्ट ही है, इसको नंबर वन बना दो। आई थिंक इसलिए भी रैंकिंग्स पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। और उससे पहले आप एक्साइटेड हो जाओ और सोचो कि भाई यूरोप से मैं भी P60 Pro को मंगा लेता हूँ और बेस्ट कैमरा फोन है ये, आपको ये जानना चाहिए कि Huawei के ऊपर बहुत सारे बैन लगे हुए हैं कि 5G नहीं यूज कर सकते ये, इसीलिए ये जो है 4G फोन है जो कि Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ आता है, प्रोसेसर भी खैर इन्होंने लेटेस्ट नहीं यूज करा। सेकंड बात, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर EMUI मिलती है और इनमें गूगल की एप्स नहीं चलती। अमेरिका ने बहुत लाइक अलग अलग चीजें करी हुई है इनके ऊपर, और Huawei के पीछे इतने सारे बैन इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है, वो भी सीरियस वाले। और प्राइवेसी कंसर्न क्यों ना हो, क्योंकि इस फोन में लिटरली एक फीचर दे रखा है साउंड बूस्टर नाम से। इस फोन को आप कहीं पे भी रख दोगे ना, किसी भी रूम में, और ब्लूटूथ से अगर आई फोन कनेक्टेड होगा, जो भी उस रूम में बात चल रही होगी आपको अपनी एयरफोन्स में सुनाई दे जाएगी। ये कैसा फीचर दिया यार। ये सारी बातें मैंने पता है क्यों बताई है, बड़ा सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। अगर आप Huawei ब्रांड को देखो ना, नो डाउट ये आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत कमाल की इनकी इमेज प्रोसेसिंग है, इनके पास मतलब सॉफ्टवेयर की ताकत भी है कहीं ना तो कहीं। और अगर ये ब्रांड एथिकली चले और प्राइवेसी ब्रीच ना करे, तो एक्चुअली में स्मार्टफोन वर्ल्ड में ये क्रेजी इंपैक्ट ला सकते हैं। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, कैसा लगा इसका कैमरा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक पर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।